हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस कोरोना टाइम में अपना सब बहुत बहुत ध्यान रखें। आज की जो वीडियो है ना, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो हुआ है ना, अभी 2 दिन पहले ही मैं थोड़ा सा लेट हो गया, टाइम नहीं लग पाया वीडियो बनाने के लिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। किस रिगार्डिंग दिस, ये जो है हमारा सेंट्रल लॉकिंग। एक्चुअली हुआ क्या, मैं एक मीटिंग में गया किसी क्लाइंट से मिलने के लिए, तो मैंने अपनी गाड़ी पहले तो पार्क कर दी बाहर, राइट। तो जब मैं जाने लगा तो मैंने उसको गार्ड को बोला, जो गेट कीपर था उसको बोला कि मैंने कहा भैया थोड़ा सा ना गाड़ी का ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना ट्रक वगैरह कुछ मार वार दे या कुछ साइड वाइड लग जाए। तो उसने बोला कि अच्छा जरा गाड़ी आपकी खड़ी है। मैंने कहा हाँ। कह रहा है आप यहां मत लगाओ, आप जो पीछे गाड़ी खड़ी है, थोड़ा सा ना गाड़ी पीछे थी वहां, उसने बोला कि आप इसके पीछे लगा दो। अब वहां पे ट्रक का मूवमेंट एक्चुअली बहुत ज्यादा हो रहा था। फिर मैंने बोला यार तुमको बता के गलती कर दी। कह रहा नहीं सर, अच्छा वो बता दिया आपने, वरना कोई मार वार देता और दिक्कत हो जाती। मैंने बोला चलो ठीक है। तो क्या हुआ, एक तो मैंने जब मैं अंदर फोन कर चुका था कंसर्न पर्सन से मिलने के लिए मैं आ रहा हूँ, तो फटाफट भी गाड़ी लगाई। अब एक्चुअली उस बंदे को निकलना भी था जल्दी, तो मैंने फटाफट गाड़ी उस गाड़ी के पीछे लगाई फटाफट। बट वो जो मैंने जहां गाड़ी लगाई ना, वहां इतना ज्यादा मूवमेंट था, मतलब वो मेन रोड थी, आप ये समझ लो वो मेन रोड थी, और वहां पे इंडस्ट्री थी, काफी ज्यादा रश वगैरह था। और ये बात है शाम के करीब 5:30 बजे के आसपास, राइट। तो मैं गाड़ी फटाफट लगाई और मैंने की निकाली और मैं अपना चल पड़ा, राइट। अब हुआ क्या, 1.5 घंटे करीब मैं अंदर में बात बात करी, अपना काम वाम निपटाया और मैं बाहर आया। तो मेरी जो पहली रिएक्शन थी ना, मैंने अपना की निकाली, गाड़ी में कर रहा हूँ अनलॉक। अब अनलॉक कर रहा हूँ, गाड़ी अनलॉक ना हो भाई साहब। मैंने कहा पता नहीं सेल वीक हो के क्या हो गया। मैंने दोबारा फिर किया, फिर दोबारा हुआ, तीसरी बार में क्या हुआ, मेरी नजर पड़ी इस चीज के ऊपर, ये अब ये गाड़ी अनलॉक है, इसकी जो पिन है वो ऊपर उठी हुई है। गाड़ी लॉक डोर की तो नीचे होती है, अनलॉक है तो ऊपर है। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने ये बाहर से देखा ना, मेरी सीटीवीटी गुम हो गई। मैंने सोचा मतलब मेरी जो रिएक्शन थी ना, मैं अपने आप को मैं समझ ही नहीं पा रहा था ये हुआ क्या। मैंने कहा मैंने गाड़ी लॉक करी थी या नहीं करी थी। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं सबसे पहले जब गाड़ी मैंने खोली ना, मैंने जैसी गेट खोला सबसे पहले मैं अपनी गाड़ी की सराउंडिंग चेक करी, क्योंकि मेरी गाड़ी में मेरा कंपनी का सामान बहुत ज्यादा रखा रहता है, मेरी जो बैक सीट होती है गाड़ी की वो भरी रहती है, राइट। उस दिन कमाल की बात क्या है, मैंने अपना जो फोन था, जो दूसरा फोन था, वो मैंने यहाँ पे ग्लव बॉक्स में अपना मैं रख के चला गया इसको पावर बैंक से लगा के, कि ये चार्ज होता रहेगा, फोन का कोई मेरा भी यूज नहीं है, बाद में मैं आके चेक कर लूंगा। उसी दिन आज तक कभी मैं फोन नहीं रखता हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने जैसी ग्लव वो खोला और वो मुझे वहां पे मेरा फोन रखा मिला, मेरा सामान रखा हुआ सारा का सारा मिला। उस दिन तो मतलब बस शिव जी की कृपा थी, भोलेनाथ का महादेव का आशीर्वाद था, क्या था पता नहीं, आई डोंट नो। मेरी मतलब मेन सड़क पे गाड़ी खड़ी थी और इवन 1.5 घंटे तक किसी की नजर नहीं पड़ी, या तो कि गाड़ी खुली हुई है, या मतलब जो भी था मेरी किस्मत थी, मेरा सारा का सारा सामान बच गया, मेरा मोबाइल वोबाइल सब बच गया। वरना यार लॉक्ड गाड़ी, खड़ी गाड़ी घर में से निकाल के ले जाते हैं लोग, मतलब टच वुड। तो इसीलिए ना, मतलब ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि भाई कितनी भी हड़बड़ाहट हो, कितनी भी जल्दी हो, कुछ भी हो, अपनी गाड़ी चेक करके, क्रॉस वेरीफाई करके ही अपनी गाड़ी को जाओ। अभी ये जो सेंट्रल लॉकिंग है ना, ये मैंने लगवाई है अपना, क्योंकि ये कंपनी फिटेड नहीं है, ये तो मैंने उससे जो अपना है एसेसरीज मैंने फिट करवाई है, ये फैक्ट्री से फिट होके नहीं है ये, बराबर है तो जेन्युइन ही, लगाई तो मारुति सुजुकी से, बट प्लांट में से जब गाड़ी निकलती है तो उसमें फिट होके नहीं आई, क्योंकि बेस मॉडल था जब ये सीएनजी का है। तो मेरे पास जो मेरी एक दूसरी गाड़ी है काइंड ऑफ, तो उसमें क्या होता है, या तो मेरे को उसकी भी आदत है, उसके अंदर एक फीचर है, अब आई डोंट नो इसके अंदर है या नहीं है, मैं चेक करूंगा और मैं सबसे पहले चेक करके आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि उसमें है या नहीं है। अब उसमें क्या होता है कि मान लो कभी गलती से आपकी गाड़ी खुली रह जाए ना, तो क्या होता है कि या तो वो कुछ रेंज होती है, अगर उस रेंज से की दूर चली जाए, या कुछ सेकंड का टाइम होता है, कुछ सेकंड बाद क्या होता है, गाड़ी ऑटोमेटिकली ही गाड़ी आपकी लॉक्ड हो जाती है। लेकिन इस गाड़ी में या इस सेंट्रल लॉकिंग में, मतलब मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ कि इसमें ऐसा कोई फीचर नहीं है, और आई डोंट नो अगर होगा तो उसको कुछ अनलॉक वगैरह करना पड़ता है या कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, वो आई हैव टू चेक। अगर मेरे को पता लगा, बहुत जरूरी है भाई ये फीचर तो होना ही चाहिए, अब आई डोंट नो इसके अंदर है नहीं है, मैं चेक करके आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो भाइयों प्लीज 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 कभी भी जाओ, कुछ भी जाओ, अपनी गाड़ी को डबल क्रॉस करके चेक करके जाओ कि गाड़ी आपकी लॉक्ड है या अनलॉक्ड है। तो भाई अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।